स्वागत है आपका जेके के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं आपके साथ मानसी रावत। लखीमपुर खीरी कांड में एक और नया मोड़ सामने आया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत रद्द कर दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट जरिए दी गई जमानत को कैंसिल कर दिया। साथ ही आशीष मिश्रा को एक हफ्ते में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। हालांकि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दी थी, जिसके बाद सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की गई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई थी, जिसमें लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत देने के लिए FIR और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इररिलेवेंट डिस्क्रिप्शन पर भरोसा किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर लॉयर दुष्यंत दवे ने दलील दी थी कि हाईकोर्ट ने SIT की रिपोर्ट के साथ साथ चार्जशीट को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने ये कहते हुए जमानत रद्द करने की मांग की थी कि आरोप गंभीर हैं और गवाहों की जान को खतरा है। उन्होंने यह भी कहा था कि हाईकोर्ट के आदेश में दिमागी कसरत का अभाव है। वहीं आशीष मिश्रा की ओर से सीनियर लॉयर रंजीत कुमार ने हाईकोर्ट के आदेश का बचाव करते हुए कहा था मुवक्किल घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा था कि अगर अदालत जमानत के लिए कोई शर्त जोड़ना चाहती है तो वह ऐसा कर सकती है। साथ आपको बता दें कि आशीष मिश्रा के ऊपर आरोप क्या है। दरअसल 3 अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी जिले में तिकोनिया में सैकड़ों किसान तीनों कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बनबीरपुर गांव के दौरे पर किसान को रोक रहे थे। इस दौरान सड़क पर चल रहे किसानों को तेज रफ्तार SUV कार महिंद्रा थार ने रौंद दिया था। इस हादसे में 4 किसानों की मौत हो गई थी और पत्रकार की भी मौत हो गई थी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने थार में आग लगा दी थी और उसमें सवार 3 लोगों को पीट पीट कर हत्या कर दी थी। आरोप था कि किसानों को रौंदने वाली 2 कारों के मालिक केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा थे। साथ ही चश्मदीदों के मुताबिक मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा एक कार में सवार थे, जिसके बाद पुलिस ने आशीष मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही SIT ने 3 महीने के अंदर CJM अदालत में 3 जनवरी को 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाते हुए 13 लोगों को मुजरिम बनाया गया था। इन सभी के खिलाफ सोची समझी साजिश के तहत हत्या, हत्या की कोशिश की धाराओं समेत आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। चलिए इसी के साथ मैं ये वीडियो करती हूँ एंड, और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे JK News के साथ।